ओके, पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, एक मिनट। हाँ ओके, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, ठीक है। आप लोगों को तो पता है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, टर्म क्या होता है, लिटरल टर्म क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे लाइक टर्म के बारे में पता है आप लोगों को? यस सर, एल्जेब्रिक टर्म का लाइक टर्म में पता है ना? वेरी गुड। यस लाइक सर, लाइक टर्म हम लोग क्या देखे थे? लाइक टर्म हम लोग ये देखे थे कि न्यूमेरिकल जो टर्म है वो छोड़ के जो लिटरल टर्म है, हम लोग देखेंगे कि लिटरल टर्म सेम है कि नहीं। वो सेम होगा तो ऑब्वियसली लाइक टर्म होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, मोनोमियल के साथ मोनोमियल मल्टीप्ल करते मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, मोनोमियल के साथ मोनोमियल का मल्टीप्लाई, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉब्लम करेंगे, फर्स्ट हम लोग ये करेंगे, नंबर वन करेंगे मोनोमियल मोनोमियल बाई मोनोमियल, ठीक है। हेडिंग क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ओके, हेडिंग क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ओके, हम लोग मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। ओके, पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले शुरू से ही हम लोग बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन देंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई, नंबर वन हम देते हैं -2x बाई 3x। ओके, तो -2x बाई 3x। ओके, ऐसे हम लोग प्रॉब्लम देते हैं, तो इसको मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे। ओके, हम डायरेक्ट ए दिया है, मल्टीपल दिस बाई दिस कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप देखो टर्म तो दिखाई दे रहा है कि दोनों टर्म लाइक है, लाइक है, जो भी है हम लोगों को इसमें से कोई लेना देना नहीं है। तो ए करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -2x इंटू 3x। ओके, तो ए मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहला टर्म है -2x है, सेकेंड टर्म है 3x। -2x के साथ 3x का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले आप देखो फास्ट, अच्छा कोफिशियंट पता है ना बच्चा लोग, मैं बोलेंगे कि कोफिशियंट, कोफिशियंट पता है किसी को? यस सर, वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड। तो यस, आप बताओ, तो फर्स्ट टर्म का एक्स का कोफिशियंट क्या है? -2 ना। -2। अच्छा, तो हम ए बोल के, अच्छा थोड़ा सा और एक टर्म हम लोग बोलेंगे कि ये फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल टर्म क्या है? न्यूमेरिकल टर्म -2 ना, यस सर, न्यूमेरिकल टर्म यस क्या सर, है? -2। और सेकेंड टर्म का मतलब सेकेंड का न्यूमेरिकल टर्म क्या है? सर, थ्री, थ्री। थ्री और -2 को मल्टीप्लाई पहले करो, क्या होगा? सर सिक्स, -6। सिक्स, तो लिखो -6, कंप्लीट है। इसके बाद किसके साथ क्या करेंगे, लिटरल टर्म के साथ लिटरल टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं? यस क्योंकि यस क्योंकि आप लोगों को एक, अच्छा एक्सपोनेंट हो गया था आप लोगों का सिलेबस में? नहीं सर, नहीं हुआ, नो अच्छा, सर, क्लास 7 में हुआ था ना, यस सर,
तो हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करें इस तरह का कि ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर मान लीजिए सेवन, तो दिस इक्वल टू ए होता है कि नहीं? ये जो इंडेक्स है एन आर सेवन, इसको हम लोग ऐड करते हैं कि नहीं? यस सर, यस सर। वेरी गुड, ये आप लोगों को पता है। वेरी गुड, तो ये इंडेक्स में सेवन में है, एट में आप लोगों का भी एक्सपोनेंट पावर है, वो भी हम लोग बनाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ए टू दी पावर सेम थिंग, एक्स इंटू एक्स का मतलब होता है एक्स का एक्सपोनेंट वन, एक्स का एक्सपोनेंट वन, तो वन प्लस वन तो टू हो जाएगा। अभी क्लियर है? वेरी गुड, ऐसे प्रॉब्लम करते रहो, मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम देता हूं, ठीक है ना? मैंने मोनोमियल के साथ मोनोमियल का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड मोनोमियल के साथ कि बाइनोमियल के साथ मोनोमियल का मल्टीपल क्या होता है, ठीक है ना? चलो, ऐसे माइनस सेवन पी बाई थ्री पी क्यूब क्यूब, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा दे देता हूं, ओके? 15xy by 2xy और देखेंगे 3mq by minus 2m to the power 5, ठीक है? अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ, तो नहीं तो मैं हूं बनाएंगे। अच्छा, उससे पहले बताओ, पिक्चर क्वालिटी क्लियर आ रहा है? बोर्ड क्लियर आ रहा है ना बच्चे लोग? Yes, sir. सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और सबको आंसर देना पड़ेगा, सब स्टूडेंट को आंसर देना पड़ेगा। गलत आंसर देंगे तो चलेगा, बट आंसर तो देना ही पड़ेगा। सर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड है ना? सबका कंप्लीटेड है? यस सर। वेरी गुड, यस सर। बनाओ, बाकी स्टूडेंट बनाओ। तो हम लोग दो नंबर का क्या क्या होगा? दो नंबर का, तो दो नंबर का ऐसे करेंगे हम लोग, माइनस सेवन पी इंटू थ्री इंटू पी क्यूब इंटू क्यूब, तो अगला मतलब क्या, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सेवन इंटू थ्री क्या हो जाएगा, ट्वेंटी वन हो जाएगा, पी इंटू पी क्यूब क्या हो जाएगा, पी इंटू पी क्यूब पी टू दी पावर फोर आर क्यूब, यही आंसर होगा ना? यस सर। सब लोग का हो गया? डाउट है किसी का? नो सर, नो सर। वेरी गुड, नेक्स्ट तीन नंबर देखो, तो 15xy इंटू 2xy, तो इसका रिजल्ट क्या आया था बोलो? सर 30x² y² कैसे होगा? 15 इंटू 2 पहले करेंगे, जो न्यूमेरिकल टर्म है 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 मतलब 30, चलो 30 इंटू, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x इंटू x मतलब एक्स स्क्वायर, फिर क्या है वाई इंटू वाई, सो वाई स्क्वायर, तो आंसर आ गया 30 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। वेरी गुड बच्चे लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम माइनस सिक्स एम टू पावर एट। अच्छा, थ्री एम क्यूब इंटू माइनस टू एम टू दी पावर फाइव, ओके ना? तो अल्टीमेट क्या होगा, न्यूमेरिकल देखो, 3r माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। अच्छा, अभी क्या है m क्यूब, यहाँ पे m टू दी पावर 5, तो क्या होगा,
तो आपको मैंने बोला था m to the power 8 मतलब 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। बोलो किसी को डाउट है, किसी का डाउट है, किसी को डाउट नहीं है ना बच्चे लोग, जो जिसको जिसको डाउट है वो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना दीपिका, डाउट नहीं है ना? नो सर। वेरी गुड, नो सर। वेरी गुड बच्चे लोग, चलो हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, अभी मैंने तीन टर्म का प्रोडक्ट करते हैं, ये बाइनो मोनोमियल के साथ मोनोमियल ही होगा बट तीन टर्म का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। आप लोग खुद से बताओगे प्रोडक्ट क्या है तीन टर्म का, ठीक है ना। जल्दी जल्दी लिखो, मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मोनोमियल हो रहा है तो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, तीन टर्म का प्रोडक्ट करेंगे, ओके। चलो अच्छा, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे तो मतलब बारिश आने वाला ही है अभी जबरदस्त, तो अंधेरा छा गया है। बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? यस सर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, एक क्वेश्चन नंबर टू, नंबर वन हम लोग बंद हो गया, एक मिनट रुको, तो अच्छा, तो एक एक करके हम लोग देंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, पहला है एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, नंबर टू हम क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद स्क्वायर बी कॉमा माइनस टू ए क्यूब बी स्क्वायर कॉमा ए बी, नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या है, टू इंटू एक्स वाई स्क्वायर कॉमा थ्री एक्स स्क्वायर जेड कॉमा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके। अच्छा और क्या है, हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम हम लोग पहले करेंगे, इसके बाद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि 2 बाई थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कॉमा माइनस 2 बाई थ्री एक्स वाई कॉमा 2 एक्स वाई क्यूब, ओके। और भी क्वेश्चन देंगे हम, तो पहले हम लोग तीन को प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना, तीन को प्रोडक्ट कैसे करेंगे। देखो बहुत इजी है, हम लोग दोनों टर्म का प्रोडक्ट पता है, फर्स्ट टर्म हम लोग दिखाते हैं, हम लोग दोनों टर्म का प्रोडक्ट हम लोगों को पता है, ठीक है ना, तीन का पता नहीं है। चलो तो पहले एक काम करते हैं, जो भी है एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, ओके, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले दो 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 करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। पहले ये दोनों को बनाओ, ये दोनों बनाने में क्या होगा आप बताइए, तो पहले हम लोग ये दो बना सकते हैं, आप डायरेक्ट एक भी कर सकते हैं बट हम लोग प्रोसीड्यूर बता रहे हैं, तो हम लोग पहले दो क्या करेंगे, एक यहाँ पे है तो एक लिखेंगे, यहाँ पे वाई इंटू वाई है तो वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड है इंटू इंटू क्या है इंटू जेड एक्स, फिर क्या आ गया एक्स इंटू एक्स आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, ये आ गया ना। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं बट हम लोग क्या क्या है कि दो दो टर्म को मल्टीप्लाई, दो
तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, जितना भी टर्म का मल्टीपल हो, तो आपको तो पता है कि दो दो टर्म, ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर क्या है, ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ से हम लोग करते हैं। हम लोग एसोसिएटिव बोला था ना, एसोसिएटिव लॉ जो नंबर सिस्टम में से नेचुरल नंबर होगा कि इंटीजर नंबर होगा कि फ्रैक्शन होगा कि रैशनल नंबर होगा, हम लोग देखे थे ना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लीकेशन का एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी में ऐसे हुआ था ना a इंटू बी इंटू सी ऐसे है, ए बी का ब्रैकेट में होगा फिर a इंटू बी इंटू सी ऐसे होता है कि नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी, बोलो बच्चों। यस सर। सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ बच्चा बोलो। सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रहा है अभी। सर पूरा स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। सर हम लोग का क्लियर है। किसका ब्लॉग आ रहा है? अश्मी सर। सुश्री। सुश्री बच्चा आप एक काम करो, तो आप एक ना एक बार रिफ्रेश करो और लीव करके फिर रिजॉइन करो तो बच्चा। और एक काम है सुश्री, सुनो ना, आपका जो ये है ना नेटवर्क है ना मोबाइल को फ्लाइट फ्लाइट मोड करके फिर ऑन करो तो ठीक ठाक आ जाएगा। हाँ ठीक ठाक आ जाएगा। देखो बोर्ड क्लियर हुआ कि नहीं देखो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बोर्ड क्लियर होना चाहिए। और जहां पे लाइट दिखाई नहीं दे रहा है आपको बोलना पड़ेगा जिससे लाइट दिखाई नहीं दे रहा, लाइट के कारण वहां पे कुछ कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर से। सुश्री नहीं है। अच्छा जो चीज मैं बोलना चाहूंगा आप लोग देख लीजिए, तो इसी हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दो दो करके प्रोडक्ट करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, क्लियर होगा ना बच्चा? दोनों टर्म का प्रोडक्ट हम लोग तो हमेशा पता है हो गया है, अभी तीन डिजिट का सॉरी थ्री टर्म का प्रोडक्ट होगा कि फोर टर्म का प्रोडक्ट होगा, उससे ज्यादा टर्म का प्रोडक्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दो 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 टर्म को प्रोडक्ट करेंगे, फिर दो टर्म को प्रोडक्ट करने के बाद एक टर्म हो जाएगा, फिर उसके साथ और एक टर्म को प्रोडक्ट करेंगे वो एक हो जाएगा, फिर उसके साथ और एक टर्म का प्रोडक्ट करेंगे, तो इस तरह का करके हम लोग आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? यस यस सर। अच्छा जल्दी जल्दी बनाओ तो, दो नंबर का बनाओ तो दिखाई दे रहा है क्या? ए स्क्वायर बी कॉमा माइनस टू ए क्यू बी स्क्वायर माइनस टू ए क्यू बी स्क्वायर कॉमा ए बी। सर बन गया। सर नहीं हुआ, थोड़ा वेट करिए ना। हाँ ऑब्वियसली बनाओ बनाओ, कोई बात नहीं है। सर टू नंबर हो गया। अच्छा जिसका जिसका दो नंबर हो गया उसका तीन नंबर बनाओ। मैं तो बनाएंगे, सबको बना देंगे, कोई बात नहीं है बच्चा, सबको बना देंगे। दो नंबर बना लिया, तीन नंबर जिसका हो गया चार नंबर बनाओ, ठीक है ना, बहुत इजी है। ओके चलो दो नंबर क्या है, ए स्क्वायर बी इंटू माइनस टू ए क्यू बी स्क्वायर इंटू ए बी। तो पहले दो टर्म को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म वन है, यहाँ पे माइनस टू है तो माइनस टू लिखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यूब है तो अल्टीमेट ए टू की ओवर फाइव, यहाँ पे बी बी स्क्वायर है तो बी क्यू इंटू ए बी। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, माइनस टू इंटू वन तो माइनस टू, ए टू दी ओवर फाइव इंटू ए हो जाएगा ए टू दी ओवर सिक्स, बी क्यूब इंटू बी हो जाएगा बी टू दी ओवर फोर। ये आंसर आ गया क्या क्वेश्चन नंबर टू का?
सर। वेरी गुड, सेम आंसर। हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सपोज इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों टर्म का तो मल्टीप्लीकेशन समझ में आएगा, पांच नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन किस प्रोसेस से किस रूल से करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसी रूल से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलो तीन नंबर बनाओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर थ्री सर कंप्लीटेड। सर क्वेश्चन नंबर थ्री बना लिए। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या आया है? Six x to the power four, y x to the power three, z power two. Very good, very good. तो ultimate क्या लिखेंगे? Two into x y square, two x y square into three x square z into x y z. सेम थिंग, पहले दोनों टर्म को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, दोनों टर्म को प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे टू और थ्री, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल है टू, यहाँ पे न्यूमेरिकल है थ्री, टू इंटू थ्री होता है सिक्स, और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा, और जेड के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो जेड होगा, फिर इंटू क्या है, फिर इंटू इंटू एक्स, थोड़ा सा साइन का ना, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, तो क्या करेंगे सिक्स इंटू वन तो सिक्स, एक्स क्यूब इंटू एक्स तो हो जाएगा एक्स टू दावर फोर, वाई स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा वाई क्यूब, एंड जेड इंटू जेड मतलब हो जाएगा जेड स्क्वायर। क्लियर है सुश्री? ज्वाइन किए आप सुश्री? यस सर। अभी क्लियर, अभी क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चा? यस सर, अभी पूरा क्लियर आता है। वेरी गुड। नहीं कभी कभी एक्चुअली आप नेट का ऐसी प्रॉब्लम हो जाता है, बस जो मैंने बोला है ट्रिक उसी हिसाब से करो, आपका रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर सर बन गया, हो गया सर, कंप्लीट हो गया। यस सर हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर बन गया ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर बन गया है तो बनाओ, तो क्या आंसर क्या आया है सर? 8/9 x टू द पावर 5 y टू द पावर 6। अच्छा चलो, तो क्या होगा 4 को 2/3 इंटू सॉरी 2/3 x क्यूब y स्क्वायर इंटू माइनस 2/3 एक्स वाई ब्रैकेट दीजिए इंटू टू एक्स वाई क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2/3 यार यहाँ पे माइनस 2/3 हो जाएगा 4/9 यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स तो आ जाएगा एक्स टू दावर फोर यहाँ पे वाई स्क्वायर और वाई हो जाएगा वाई क्यूब इंटू क्या होगा 2xy³। सेम थिंग माइनस 4/9 इंटू टू हो जाएगा 8/9 x टू दी ओवर 4 इंटू एक्स हो जाएगा x टू दी ओवर 5 y क्यूब इंटू वाई क्यूब हो जाएगा y टू दी ओवर 6। यही आंसर है ना? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं इस तरह का, ये प्रॉब्लम अच्छा है, फाइंड द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट व्हेन दिस इक्वल टू दिस। हाँ एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो, ठीक है पहले इसको हम हटाते हैं, कॉपी हो गया ना बच्चे लोग? ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, क्वेश्चन बाकी सब स्टूडेंट आप लोगों को भी आंसर देना पड़ेगा, चाहे गलत हो, गलत आंसर देने के लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है
अच्छा एक टाइप का है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन थ्री, तीन नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इंटू माइनस टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई क्यूब फुल स्टॉप, ऑल्सो ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट, ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट व्हेन व्हेन एक्स इक्वल टू टू कॉमा वाई इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू थ्री। क्वेश्चन पहले कॉपी करो, मैं बोल रहा हूं, वेरीफाई करने के लिए बोला, क्वेश्चन क्या बोला, वेरीफाई करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन देख लिया बच्चा? यस। वेरीफाई करना मतलब पहले तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके जहां पे x इक्वल टू टू वाई इक्वल टू वन एंड z इक्वल टू थ्री, देखो कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट तो आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं है, चलो प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, पहले प्रोडक्ट बनाते हैं इसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे। ओके तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन इस तरह का बनाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई इंटू माइनस टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब। तो कैलकुलेशन क्या आएगा, पहले दो टर्म में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू इंटू वन तो आ जाएगा माइनस टू, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, वाई इंटू वाई मतलब वाई स्क्वायर और जेड इंटू वन मतलब जेड, ठीक है ना, इंटू ये क्या है एक्स इंटू वाई क्यूब। चलो कैलकुलेशन क्या होगा, माइनस टू इंटू वन तो माइनस टू, एक्स क्यूब इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर फोर, और वाई स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर फाइव हो जाएगा वाई टू दी, सॉरी वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब हो जाएगा वाई टू दी पावर फाइव इंटू जेड। तो अल्टीमेट इसका प्रोडक्ट आ गया दी। ओके तो अल्टीमेट ए होता है लेफ्ट हैंड साइड, ए होता है राइट हैंड साइड। ओके तो अल्टीमेट ए इक्वेशन वन है। चलो एक काम करते हैं, ए टोटल मतलब इस प्रोडक्ट का रिजल्ट है ए, मैंने तो इसका प्रोडक्ट बना दिया, अभी बोला कि वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा मतलब हम इसको रिजल्ट, इस पॉइंट का रिजल्ट, इस टर्म का मतलब ए वाला का रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों सेम होना चाहिए, जहां पे एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू थ्री। तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो है इसको हम ऐसे बनाएंगे कि एक एक करके हम लोग देखेंगे ये दोनों का प्रोडक्ट। ओके चलो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, एक चलो लेफ्ट हैंड साइड, एक चलो राइट हैंड साइड। ओके अच्छा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ऐसे लिखो तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू माइनस टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स इंटू वाई क्यू। ओके पुट एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू थ्री। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे पुट करो क्या आ जाएगा, टू स्क्वायर इंटू क्या है वन, अच्छा इंटू माइनस टू इंटू एक्स का वैल्यू टू इंटू वन इंटू थ्री इंटू ये क्या एक्स का वैल्यू टू इंटू वाई क्यूब मतलब वन क्यूब, वन क्यूब। तो आंसर क्या होगा, टू स्क्वायर मतलब क्या होगा, टू स्क्वायर, टू स्क्वायर के साथ वन मल्टीप्लाई करने में टू स्क्वायर हो जाएगा, टू स्क्वायर मतलब फोर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री मतलब ट्वेल्व, तो माइनस ट्वेल्व
इनटू ये क्या हो जाएगा टू, तो आंसर क्या हो जाएगा एट। तो क्या होगा माइनस 96 आंसर आएगा कि नहीं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला प्रोग्राम ये वाला में माइनस 96 आ रहा है कि नहीं, फोर इंटू एट। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्लियर? ओके ओके, अभी देखो ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम लोग देखो इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग डील कैसे करेंगे, डील ये तो प्रॉब्लम है। ओके तो इस प्रॉब्लम में डील इस तरह का होता है, पहले प्रोडक्ट, चलो प्रोडक्ट बना लीजिए। प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होता है कि इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट है ए, तो ए हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ए हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस टू इंटू एक्स टू दी पावर फोर इंटू वाई टू दी पावर फाइव इंटू जेड। ओके तो पुट पुट एक्स इक्वल टू टू, y इक्वल टू वन एंड z इक्वल टू थ्री। तो क्या हो जाएगा माइनस टू इंटू टू टू दी पावर फोर इंटू y के जगह हम लोग वन पुट करेंगे, वन टू दी पावर फाइव इंटू थ्री। तो अल्टीमेट क्या होगा, माइनस टू इंटू ये क्या है टू टू दी पावर फोर, टू टू दी पावर फोर क्या हो जाएगा टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, एट इंटू टू सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू थ्री। तो अल्टीमेट कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स कैरी थ्री, तो सिक्स इंटू थ्री, सिक्स इंटू वन सिक्स एंड थ्री नाइन, नाइनटी सिक्स। आप देखो तो क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। बच्चा क्लियर है, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं और इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह का, किस स्टाइल में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन तो इजी है बट क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, कैसे एग्जाम हॉल में बोलो, किसी का डाउट है तो बताइए, किसी को भी डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। अच्छा पहले कॉपी कर लो, कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। नो सर। सर राइट हैंड साइड वाला नहीं हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले कॉपी करो, कॉपी करो, इसके बाद हम लोग जाएंगे, नो प्रॉब्लम। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड है ना। तो इसी तरह का प्रॉब्लम, इसी तरह का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्लियर है? वेरी गुड। यस सर। यस सर। सेम प्रॉब्लम, और एक टाइप का मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप लोग खुद से बनाना है, ठीक है? अच्छा और एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ इसी स्टाइल का, ओके पी क्यू आर बी क्यू क्यू, ठीक है। चलो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा पी क्यू आर फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर कॉमा इंटू पी क्यू क्यू, पी क्यू क्यू आर इंटू स्क्वायर आर, ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट पी इक्वल टू माइनस वन, क्यू इक्वल टू टू एंड आर इक्वल टू माइनस टू, आर इक्वल टू माइनस टू। अभी क्वेश्चन देखो तो आर इक्वल टू माइनस टू, इसको हम हटा देते हैं। आप लोग बनाओ किसी स्टाइल में करना है, आप लोगों को तो पता है,
सेम टाइप का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा, बनाइए। बनाना पड़ेगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ बोलो सर, क्यू इज इक्वल टू क्या लिखा है? क्यू इक्वल टू टू, क्यू इक्वल टू टू, आर इक्वल टू माइनस टू, पी इक्वल टू माइनस वन, क्यू इक्वल्स टू टू एंड आर इक्वल टू माइनस टू, आर इक्वल टू माइनस टू, दिखाई दे रहा है? क्लियर? आर इक्वल टू माइनस टू, देखो तो, वेरीफाई करो तो है कि नहीं। खुद से बनाओ बच्चा, और सबको रिजल्ट बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कंप्लीट, ओके, एक एक करके बनाओ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, पहले पी क्यू आर इंटू, सर थोड़ा सा बाकी है, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, मैं लिख रहा हूँ सर। अच्छा इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट का रिजल्ट बोल सकते हो? इसका प्रोडक्ट, पहले तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यस सर, पी पी टू द पावर 4, क्यू टू द पावर 4, पावर 4 आर क्यूब, आर टू द पावर 3। हाँ नहीं, ऐसे बोलना पड़ेगा, पी टू द पावर 4 इनटू क्यू टू द पावर 4 इनटू आर टू द पावर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। यहाँ पे पी क्यू आर मतलब क्या है, पी इंटू क्यू इंटू आर ना, हम लोग यहाँ पे इंटू साइन नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, पी इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है ना। जैसे कि एल्जेब्रा में जो भी है, एक्स इंटू वाई मतलब एक्स वाई हम बोल सकते हैं ना, यस एंड नो, एक्स इंटू वाई आर एक्स वाई, बात तो सेम है ना, ठीक है। यस सर, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अच्छा तो अल्टीमेट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, दोनों टर्म को करेंगे, p इंटू पी मतलब पी स्क्वायर, q इंटू क्यू क्यूब मतलब इंटू क्यू टू द पावर 4, r इंटू आर मतलब आर स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर आर। तो फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर आ जाएगा, p टू द पावर 4, q टू द पावर 4, r यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू q टू द पावर 4, r स्क्वायर इंटू r आ जाएगा, r टू द पावर 8। चलो तो मतलब इस प्रोडक्ट, इस तीन टर्म का प्रोडक्ट आ गया एक टर्म में, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, ए होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करेंगे, पी क्यू आर इंटू पी क्यू क्यूब आर इंटू पी स्क्वायर आर, ठीक है ना। तो हम लोग काम करेंगे, पुट क्या करेंगे, पी इक्वल टू माइनस वन, क्यू इक्वल टू टू एंड आर इक्वल टू माइनस टू। चलो पुट करते हैं, p इक्वल टू वन मतलब क्या होता है, माइनस वन, इंटू क्यू मतलब टू, इंटू आर मतलब माइनस टू, इंटू
यहाँ पे p मतलब क्या हो जाएगा, p मतलब माइनस वन इंटू क्यू मतलब टू टू दी पावर क्यूब इंटू आर मतलब माइनस टू, और पी स्क्वायर मतलब माइनस वन होल स्क्वायर इंटू आर मतलब माइनस टू। तो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, तो माइनस वन इंटू माइनस टू मतलब प्लस टू इंटू फोर, तो फोर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा टू इंटू टू टू दी पावर थ्री मतलब क्यूब एट, एट इंटू माइनस टू मतलब माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन तो सिक्सटीन इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू, आंसर है माइनस टू। तो अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या होगा एट माइनस एट। सर माइनस 128 माइनस 128 तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया माइनस 128। हम लोग देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड है हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड साइड का भी आंसर माइनस 28 होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या है पी टू दी पावर फोर इंटू क्यू टू दी पावर फोर इंटू आर क्यू पुट पी इक्वल टू माइनस वन क्यू इक्वल टू टू एंड आर इक्वल टू माइनस टू। कैलकुलेशन क्या होगा माइनस वन होल टू दी पावर फोर इंटू टू टू दी पावर फोर इंटू माइनस टू होल क्यू। तो माइनस वन होल टू दी पावर फोर एक्चुअली माइनस वन होल टू दी पावर फोर, फोर क्या होता है इवन नंबर, तो आपको पता है कि माइनस वन होल टू दी पावर इवन नंबर होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो अल्टीमेट वन होगा। टू टू दी पावर फोर का मतलब क्या होता है सर 16 सॉरी 16 और टू टू दी पावर क्यूब मतलब माइनस है माइनस तो ये हो जाएगा तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा एट, तो क्या आएगा माइनस 28। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। क्लियर है ना, किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर, बहुत ही इजी है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मोनोमियल के साथ बाइनोमियल का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी अभी हम लोग मोनोमियल के साथ मोनोमियल प्रोडक्ट किया है, फिर तीन टर्म का प्रोडक्ट किया था, सब कुछ था मोनोमियल, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि मोनोमियल के साथ बाइनोमियल का प्रोडक्ट, ओके। कॉपी कर लो पहले, कॉपी हो गया? यस सर, यस सर। ओके मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय बाइनोमियल। क्वेश्चन ऑफ ऑफ ए मोनोमियल, मोनोमियल बाय बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जहां पे एक ही टर्म होगा, जहां पे एक टर्म मतलब ओनली वन टर्म होगा मोनोमियल, और बाइनोमियल में क्या है दोनों टर्म होगा, ठीक है ना। एक ऐसा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे दोनों टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा तो आप देखो पहले कैसे होता है, क्या कोई भी एक नंबर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, इसका मतलब क्या होगा, इस तरह का प्रॉब्लम हम देते हैं कि 2x इंटू 3x प्लस 5y। एक्चुअली मोनोमियल और एक क्या है बाइनोमियल, दोनों टर्म है यहाँ पे, तो इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना।
तो एक लॉ यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसी से हम लोग प्रोडक्ट को कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ब्यूटी लॉ, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ऐसे ए इंटू बी प्लस सी का मतलब क्या होता है, प्लस सी हो सकता है माइनस सी हो सकता है, क्या है ना, ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फंडा है। मतलब ए के साथ बी का प्रोडक्ट प्लस ए के साथ सी का प्रोडक्ट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सुना है कभी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? यस यस। हाँ अच्छा, एक्चुअली नंबर सिस्टम में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद किया था क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ मल्टीप्लीकेशन, अंडर एडिशन और अंडर सब्ट्रैक्शन दोनों में हो सकता है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखा था कि मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, वो हो सकता है नेचुरल नंबर में, हो नेचुरल नंबर में हम लोग करेंगे कि इंटीजर में हो सकता है, इंटीजर में होगा, फिर फ्रैक्शन में होगा, फिर रैशनल नंबर में होगा, ठीक है ना। हर जगह में रियल 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 फील्ड के ऊपर पूरा ये ऑपरेशन होल्ड होगा, ठीक है ना। और क्या बोला था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग लिटरल टर्म बार बार यूज करते हैं एक्स वाई जेड, वहां पे क्या है तो वेरिएबल भी बोल सकते हो। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल इज नॉट ए पर्टिकुलर वैल्यू, ओके, इट कैन टेकन एनी काइंड ऑफ वैल्यू, ओके। वैल्यू मतलब रियल नंबर, रियल नंबर बोल सकते हो कि फ्रैक्शन बोल सकते हो, रैशनल नंबर बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी नंबर, ठीक है ना। तो अल्टीमेट इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो माइनस होगा, ऑब्वियसली माइनस में भी सेम थिंग है, ये नंबर वन है। नंबर टू क्या है, ए इंटू बी माइनस सी, मतलब क्या होता है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ठीक है ना, सेम थिंग। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। आप देखो क्या होता है, मैंने यही प्रॉब्लम करते हैं, तो 2x इंटू 3x प्लस, सॉरी 3x प्लस 5y, तो कैसे करेंगे, तो 2x के साथ 3x मल्टीप्लाई और 2x के साथ 5y मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, 2x इंटू 3x प्लस 2x इंटू 5y। तो अभी क्या होगा, 2x इंटू 3x, 2 इंटू 3 मतलब 6, x इंटू x एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, x इंटू y हो जाएगा एक्स वाई। अल्टीमेट देखो जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते, जो यूज करते, पहले मोनोमियल के साथ मोनोमियल, दोनों टर्म मोनोमियल के साथ मोनोमियल का प्रोडक्ट पता होगा, तो जैसे भी जिस फॉर्मेट में हो उसी फॉर्मेट में हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चे लोग? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। चलो हम लोग कुछ प्रोडक्ट कर लेते हैं, ओके। तो हम इस तरह का देते हैं कि सिंप्लीफाई मतलब प्रोडक्ट, ओके, बात सेम है, रिजल्ट लिखते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई ऐसे नंबर दिया है पहले कि 5x इंटू 3x प्लस 2, नंबर 2 दिया है माइनस 2, और क्या है 2xy प्लस y, और नंबर 3 दे दिया है 5x प्लस 2 इंटू 4x, 2 इंटू 4x, और एक नंबर देते हैं जल्दी जल्दी a क्यूब, और क्या है 2 इंटू a b स्क्वायर माइनस 6c। बोलो तो क्या होगा,
पहला वाला आप लोग प्रॉब्लम बनाओ, 5x इंटू 3x प्लस 2, 5x इंटू 3x प्लस 2, सर पहला वाला हो गया, पहला वाला हो गया, फर्स्ट वाला सब लोगों का कंप्लीट है बच्चे लोग? यस सर, यस सर कंप्लीटेड, वेरी गुड, आंसर बोलो सर, 15x स्क्वायर प्लस 10x, वाह वेरी गुड, यस सर मेरा भी वही, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अच्छा ये तो कॉपी हो गया बच्चा, ये सब कॉपी हो गया ना, तो अल्टीमेट हमेशा हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, हमेशा हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, ठीक है ना, कॉपी हो गया आप लोगों का, अच्छा यस सर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोग दो नंबर तीन नंबर बताओ, तो नंबर वन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ऐसे करेंगे 5x, 5x इनटू के जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2, अच्छा ए आर ए में क्या है अंतर, क्या है जब हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं ना, ऑफ लिखते हैं, ठीक है ना, 5x ऑफ दिस आर ए क्या है इनटू, बात सेम है, कोई बात नहीं है, सेम है, अल्टीमेट ऑफ में तो मल्टीप्लीकेशन होता है, बट कम होगा, ठीक है, हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे बाद में, चलो तो अल्टीमेट क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या, हमेशा एक टर्म है तो इसके साथ ए और इसके साथ ए, ठीक है ना, इसके साथ ए इंटू इसके साथ ए, तो ऑब्वियसली आपको साइन का ख्याल रखना पड़ेगा, साइन का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, 5x के साथ 3x का मल्टीप्लाई का मतलब होता है 5x इंटू 3x, ओके, प्लस प्लस 5x इंटू 2, तो 5x इंटू 2, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, x इंटू इन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10 आर x, क्लियर, ये सब लोगों का क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ, माइनस 4x y स्क्वायर प्लस माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर ना, यस सर, यस सर, सत्तम सर, हाँ बोलो सर, सर फोर नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्या लिखे है, फोर नंबर का ए क्यूब, ए क्यूब बच्चा, फोर नंबर का जो है ना वो एक्चुअली वो ए क्यूब, ठीक है, तो क्या है, तो हम लोग एक एक करके काम करेंगे, माइनस टू वाई इंटू टू एक्स वाई प्लस वाई, तो सेम थिंग है, माइनस टू वाई के साथ ए, इसके बाद ए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मैंने डायरेक्शन इसीलिए दिया है, वो सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए हमेशा इसके साथ ए मल्टीप्लाई, इसके साथ फिर प्लस और माइनस जो भी है इसके साथ ए मल्टीप्लाई, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को, तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई इंटू टू इंटू एक्स वाई, अभी माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस टू वाई इंटू वाई, तो कैलकुलेशन क्या हो जाए, माइनस टू इंटू टू फोर, एक्स इंटू एक्स आर वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर, ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यस सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, आंसर है 20x स्क्वायर प्लस 8x, अच्छा पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, देखो अच्छा कॉम्यूटेटिव लॉ पता है, कॉम्यूटेटिव लॉ समझ में आता है क्या, याद है कॉम्यूटेटिव लॉ, यस सर, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है a into b equal to b into a, है कुछ भी रियल नंबर सिस्टम में जो होता है ना कॉम्यूटेटिव लॉ, एक कॉम्यूटेटिव लॉ होता है,
अंडर मल्टीप्लीकेशन. अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है ना, ए कॉम्यूटेटिव लॉ याद है. तो अल्टीमेट तीन नंबर इक्वल, तीन नंबर देखो क्या है, 5x प्लस 2 इंटू 4x. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x इंटू 5x प्लस 2, बात तो सेम है. दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, बात सेम है. हाँ, 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2, बात सेम होता है कि नहीं? यस सर. 2 इंटू 4, 2 के साथ 4 का मल्टीपल और 4 के साथ 2 का मल्टीपल, दोनों का वैल्यू बराबर होगा कि नहीं? तो इसको yes, क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. a इंटू बी और b इंटू ए दोनों सेम है, ओके ना. हम लोग रियल नंबर सिस्टम में पूरा रैशनल नंबर और बाकी जगह में हम लोग क्या था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरली प्लस और मल्टीप्लीकेशन में होल्ड हो जाता है. ओके, प्लस होगा तो ओ भी होगा, ए प्लस बी और बी प्लस ए बात सेम है, मतलब 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3 बात सेम होता है, प्लस और माइनस के लिए होता है. तो अल्टीमेट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके साथ ए इसके साथ ए, तो क्या होगा, 4x इंटू 5x प्लस 4x इंटू 2, क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 20x स्क्वायर प्लस 8x. क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियरली? अच्छा yes, तो अल्टीमेट ये प्रॉब्लम, फाइनली ये प्रॉब्लम हो गया ना. ये प्रॉब्लम क्या है, सेम ए क्यूब इंटू 2 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब इंटू 6c, तो आ गया 2 इंटू ए टू दावर 4 बी स्क्वायर माइनस 6 इंटू ए क्यूब c. क्लियर है? यस सर. यस सर. अच्छा, अब लोगों को फैक्टराइजेशन हो गया तो इसका मतलब तो बस बहुत इजी है. चलो अभी मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल का क्या फंडा है देखते हैं. ठीक है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी होगा और कुछ नहीं है. हाँ, सेम तरह का प्रॉब्लम होगा. ठीक है, चलो मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल. हेडिंग क्या लेते हैं, ट्राइनोमियल. यहां पे क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल. ओके, सेम बात है. यहां पे भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ठीक है ना, यहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. कुछ भी नंबर मोनोमियल के साथ आए, ट्राइंगल बात सेम है. ठीक है, जो भी है मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल क्या पॉलीनोमियल भी होगा तो बात सेम होगा. ठीक है ना, सेम टाइप का है. ओके, हम लोग सेम टाइप का प्रॉब्लम करते हैं जो हम लोग को हो जाएगा. ओके, तो अल्टीमेट आप देखिए ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लॉ क्या है, a इंटू बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या होगा, ऑब्वियसली a इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए सी प्लस ए डी ना. मतलब क्या होता है, सेम बात है, a के साथ b मल्टीपल, फिर a के साथ c, फिर a के साथ d. तो जो भी है पॉलीनोमियल के साथ भी होगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, सिर्फ ट्राइनोमियल नहीं है, जितना सारा नंबर होगा, मतलब मोनोमियल के साथ एक पॉलीनोमियल, एक मतलब पॉलीनोमियल होगा, तो क्या करेंगे हम, एक एक करके इस तरह का इस मेथड में कर सकते कि नहीं है? जो भी है, सिर्फ ट्राइनोमियल नहीं है, बाकी जो पॉलीनोमियल होगा मोनोमियल के साथ पॉलीनोमियल, मतलब यहाँ पे तीन टर्म है, चार टर्म, पांच टर्म, जो भी है हम लोग एक एक करके मल्टीप्लाई करके जा सकते कि नहीं बच्चा लोग? यस सर. यस जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
तो अल्टीमेट हम लोग एक प्रॉब्लम देंगे सिंप्लीफाई में, एक प्रॉब्लम देंगे इस तरह का कि 7x इंटू 5 प्लस 3y माइनस 2x, तो अल्टीमेट क्या होगा? ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा? ऑब्वियसली इसके साथ a मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ a मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ a मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेट क्या होगा? 7x इंटू 5 प्लस 7x इंटू 3y माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 7x इंटू 2x, ठीक है ना? तो अल्टीमेट क्या करेंगे? 5 इंटू 35x प्लस 21xy माइनस 14x स्क्वायर, क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जो भी है, जो भी है, हम लोग इसी तरह का बनाएंगे, ठीक है? चलो कुछ प्रोडक्ट करते हैं, ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट करते हैं, इसके बाद देखेंगे, ठीक है? चलो सिंप्लीफाई बनाते रहो। चलो ट्राइनोमियल दिया है, जो भी करेंगे इसी स्टाइल में हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना? तीन टर्म, मतलब तीन टर्म नहीं है, जितना भी सारा टर्म है उसी स्टाइल में हम लोग करते रहेंगे। सो 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। नेक्स्ट क्या है? 2a इंटू 3b क्यूब माइनस ab प्लस 4a प्लस 4a, और क्या होगा? और एक लिख देते हैं, p स्क्वायर इंटू 2p माइनस 3pq प्लस p इंटू r। जल्दी बनाओ तो बच्चा लोग, जल्दी बनाओ। जल्दी बना बच्चा। सर फर्स्ट वाला हो गया। सर फर्स्ट वाला हो गया। वेरी गुड। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। यस सर। अच्छा, और हो गया। सर सेकंड वाला भी हो गया। सेकंड वाला हो गया। ओके। थर्ड नंबर भी हो गया। थर्ड नंबर हो गया। चलो थर्ड नंबर हो गया, तो हम लोग एक एक करके करते हैं। चलो तो पहला टर्म हम लोग देखते हैं, नंबर वन ऐसे करेंगे, इसके बाद हम लोग बाइनोमियल बाई बाइनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का कैसे करते हैं, ठीक है? तो सेम थिंग हम लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अच्छा देखो, तो फिर नंबर वन आप देखो, 3x a क्या है? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या हो जाएगा? 3x इंटू एक्स स्क्वायर, सेम थिंग 3x मतलब 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू 5x प्लस 3x इंटू 6,
तो क्या आ जाएगा, थ्री इंटू एक्स क्यूब माइनस फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू थ्री एटीन एक्स। क्लियर ना, आप आंसर देखते रहिए। फिर क्वेश्चन नंबर टू देखो, टू ए इंटू थ्री बी क्यूब माइनस ए बी प्लस फोर ए प्लस फोर ए। तो अल्टीमेट क्या होगा, टू ए इंटू थ्री बी मतलब क्या होगा, टू ए इंटू थ्री बी क्यूब माइनस टू ए इंटू ए बी, क्योंकि माइनस इंटू प्लस तो माइनस होगा इसलिए मैंने लिखा है, प्लस टू ए इंटू फोर ए। तो आंसर क्या होगा, टू इंटू थ्री सिक्स ए इंटू बी क्यूब माइनस टू इंटू ए इंटू एस ए मतलब ए स्क्वायर बी प्लस टू इंटू फोर मतलब एट ए स्क्वायर। क्लियर बच्चे लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा तो आप देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या है, तीन नंबर। तीन नंबर क्या है, पी स्क्वायर इंटू टू पी माइनस थ्री पी क्यू प्लस पी आर। तो क्या होगा, सेम थिंग, पी स्क्वायर इंटू टू पी माइनस पी स्क्वायर इंटू थ्री पी क्यू प्लस पी स्क्वायर इंटू पी इंटू आर। तो पी इंटू टू पी मतलब पी टू इंटू पी क्यूब माइनस थ्री पी टू दी पावर क्यूब इंटू क्यूब प्लस पी क्यूब इंटू आर। देखो बच्चे लोग क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। क्लियर। क्लियर है ना बच्चे लोग? ठीक है। इसके बाद और एक हम प्रॉब्लम करते हैं, दोनों बाइनोमियल के साथ कैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बाइनोमियल के साथ कैसे प्रोडक्ट करेंगे, ओके? हाँ बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल। अच्छा टाइम क्या हुआ, साढ़े चार बजे तक क्लास है। ठीक ठीक है, कॉपी हो गया ना, अब लोग एक एक करके करेंगे। बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल का प्रोडक्ट क्या करेंगे, ओके? ये जो मैंने बोला मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल नहीं है, एनी पॉलिनोमियल, एनी काइंड ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग इसी हिसाब से मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मतलब कैसा भी पॉलिनोमियल हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज होगा। हाँ अब जितना सारा आप देखो ना, आप जितना आप ये केवल एक पॉलिनोमियल होगा, आज जितना सारा नंबर हो आप देखो सभी डिस्ट्रीब्यूटिव। हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल करेंगे, यानी मान लो जब पॉलिनोमियल, बात तो सेम है, बात तो सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने ये बोलेंगे कि ए इंटू, हम ए दिखाएंगे कि ऐसे मान लीजिए ऐसा है कि अच्छा चलो ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए प्लस डी प्लस एच प्लस के जो भी है, तो क्या होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी प्लस ए इंटू ई प्लस ए इंटू एफ प्लस ए इंटू जी प्लस ए इंटू एच प्लस ए इंटू के, होगा कि नहीं? बात तो सेम है हाँ, जो हम लोग डायरेक्शन दे रहा था इसी हिसाब से होगा कि नहीं? क्लियर ना? अरे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब ही हो जाता है सब कुछ पॉलिनोमियल, सब कुछ ही पॉलिनोमियल। मतलब ट्राइनोमियल पता हो गया तो बाइनोमियल पता हो गया तो ट्राइनोमियल, फिर चार डिजिट चार टा फोर्थ टर्म, ठीक है ना? तो ऐसे चलते रहेगा, ठीक है ना? कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह का हम लोग मल्टीपल कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है ना? अभी बच्चा बताओ, अभी बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल कैसे करेंगे, ठीक है ना?
क्लियर है बच्चा, इसको हम क्लीन कर दें। यस सर। अच्छा बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बाइनोमियल बाई बाइनोमियल, मियल बाई, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके सेम थिंग, तो बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल मतलब मैंने ये बोला कि a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। थोड़ा सा देखो बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल मतलब यही है ना, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, क्लियर कि नहीं बोलो बच्चा। आप लोग सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, ऐसे तो बात नहीं है ना, किसी को डाउट है बोल नहीं पा रहे हो, ऐसे तो बात नहीं है ना बच्चा? नहीं सर। नो सर। ठीक है ठीक है। नो सर। अच्छा किसी का डाउट है तो मुझे पूछना, ठीक है, शर्माना नहीं है, और जो क्वेश्चन बोलेंगे उसका गलत आंसर भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, हमेशा आपको आंसर देना पड़ेगा। आप लोग गलत आंसर देना है मैं समझूंगा कि आप लोग क्या है, इसके बाद क्या होगा जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे आप खुद ही देखेंगे कि एक्चुअली आपको जो सिली मिस्टेक कहाँ हुआ था, ये सिली मिस्टेक हो रहा है कि नहीं, आपको प्रॉब्लम समझने में दिक्कत हुआ है इसीलिए आप लोगों को आंसर गलत आ रहा है, तो आप खुद ही चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, सेम फंडा, इस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे करेंगे a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है ना। तो एक काम करते a इंटू सी, पहले काम क्या करेंगे a के साथ a एक टर्म है, a के साथ a टर्म, b के साथ b टर्म बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे a इंटू सी प्लस डी प्लस b इंटू सी प्लस डी, समझ में आ रहा है कि नहीं, a के साथ सेकेंड टर्म पूरा प्लस बी के साथ सेकेंड टर्म, क्लियर हुआ कि नहीं। फिर ए वाला तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया, तो क्या होगा ए इंटू सी आर ए इंटू डी, सेम थिंग बी इंटू सी आर बी इंटू डी, तो क्या आ गया ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ये रूल समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो तो, बस रूल आज जो डिरेक्शन मैं दे रहा हूं ये समझने के लिए कोशिश करो, मतलब ये जो बात है एक्चुअली ए वाला बात है, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया पूरा टर्म सी प्लस डी, क्लियर सर प्लीज रिपीट अगेन। अच्छा रिपीट करना है, अच्छा देखो जब हम लोग बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल मतलब इसी फॉर्मेट में करेंगे तब इसका फंडा क्या है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। पहले क्या करेंगे a के साथ सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म, ओके दोनों दिस वन दोनों सॉरी बाइनोमियल के साथ ए बाइनोमियल, a के साथ a बाइनोमियल का मल्टीपल प्लस b के साथ a सेकेंड वाला जो बाइनोमियल टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो अल्टीमेट क्या होगा a इंटू सी प्लस डी देखो प्लस b इंटू सी प्लस डी, क्लियर हुआ है? यस सर। वेरी गुड। यस। तो अभी ए बना लिया, अभी तो इस फॉर्मेट तो कैसे होता है आपको पता है, अभी अभी हुआ है मोनोमियल के साथ बाइनोमियल ट्राइनोमियल जो भी है, क्लियर हुआ कि नहीं सर? क्लियर। क्लियर है ना? यस सर। हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, और भी मेथड है, मेथड तो है हम लोग देखेंगे। एक्चुअली ऐसे होता है जो भी है ऐसे होता है देखेंगे। चलो हम लोग पहले प्रॉब्लम करेंगे, एक प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम करेंगे जो टाइम है ज्यादा टाइम नहीं है।
तो देखेंगे ऐसे ही प्रॉब्लम कि एग्जांपल दे रहे हैं कि 2x प्लस 3y इनटू 3 माइनस 4y, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, ओके। तो क्या होगा, पहला जो टर्म होगा, पहले जिस एक बाइनोमियल है, एक बाइनोमियल है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2x के साथ टोटल टर्म, ये जो टर्म है 2x के साथ एक टर्म और 3y के साथ एक टर्म को मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होगा, 2x इंटू सेकेंड वाला जो बाइनोमियल है जैसे है रहने दीजिए, 3 माइनस 4y, इसी रूल का हिसाब से यहाँ पे क्या है, प्लस है, फिर 3y इंटू 3 माइनस 4y। क्लियर हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, 2x इंटू 3 सेम थिंग, 2x इंटू 3 माइनस 2x इंटू 4y हो गया है, प्लस 3y इंटू 3, 3y इंटू 3 माइनस 3y इंटू 4y, 3y इंटू 4y, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब 6x माइनस 2 इंटू 4 मतलब 8xy प्लस 3 इंटू 3 मतलब 9y, 3 इंटू 4 मतलब 12y स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, चलो समझ में आया कि नहीं बोलो तो, क्लियर है। अच्छा आप लोगों को, अच्छा और एक प्रॉब्लम हम देते हैं, आप लोग खुद करना, इसके बाद आंसर देना, ठीक है ना, इसके बाद आंसर देना, ठीक है ना। लास्ट प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, 2a प्लस बी इंटू 3a प्लस 4b, चलो तो एक आंसर बनाओ, तो इसका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा सबको, बनाइए, सॉरी सर हो गया, बाकी सब सर एक मिनट, सर हो गया, सर सब हो लोग गया। हो गया ना सर, फिनिश्ड, फिनिश्ड, यस सर हो गया, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो अल्टीमेट कैसे क्या था, आंसर बताओ तो, क्या आ गया आंसर सर, 6a स्क्वायर प्लस 8ba प्लस 3ab प्लस 4b स्क्वायर। अच्छा तो अल्टीमेट हम लोग गेम क्या करेंगे, तो 2a के साथ टोटल टर्म 2a इंटू 3a प्लस 4b प्लस b इंटू 3a प्लस 4b, बस एक स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट ये तो समझ में आना चाहिए, 2a इंटू 3a प्लस 2a इंटू 4b प्लस b इंटू 3a, b इंटू 3a प्लस b इंटू 4b, तो क्या आ गया, 2 इंटू 3 मतलब 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 मतलब 8 इंटू ए बी प्लस 3 इंटू ए बी प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर। तो आप बच्चा बताओ तो 8ab और 3ab ये दोनों लाइक टर्म, यस एंड नो, दोनों लाइक टर्म, यस एंड नो, यस सर। अच्छा लाइक टर्म मतलब तो उसको तो ऑपरेशन कर सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्शन कर सकते हैं, जो भी है, तो अल्टीमेट क्या होगा, हाँ 8 प्लस 3 क्या होगा, 11ab प्लस 4b स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आ रहा है ना, चलो यस। अच्छा बाइनोमियल ऑलमोस्ट सेम टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है ना,
आप लोग और भी करेंगे, मतलब बाइनोमियल के साथ ट्राइनोमियल प्रोडक्ट करेंगे, ओके। आप लोगों का 4:30 बजे तक क्लास है ना? हाँ यस सर, यस सर। अच्छा काल भी तो है आप लोगों का, ठीक है ना? 3 बजे से क्लास है ना आप लोगों का? ना कल ना मॉर्निंग में है कल? यस आप लोगों का मॉर्निंग में है, ओके ओके ओके। अच्छा थोड़ा सा ना आप लोगों को तो आज टाइम तो नहीं मिलता है, 8:30 बजे क्लास खत्म होता है आप लोगों का। आप लोग ज्यादा नहीं है, जो जो दिया है आप लोग एक एक क्वेश्चन करके घर में प्रैक्टिस करो हर हर चीज का, ठीक है? तो कल हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बाइनोमियल के साथ ट्राइनोमियल प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे और कुछ चीज, फिर हम लोग डिविजन में जाएंगे। क्लियर है ना? डिविजन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब है। क्लियर है बच्चा? अच्छा इसके बाद कौन चैप्टर होगा बोला था? लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल ना। अच्छा ठीक है, और एक है आप लोग को जो मैंने बोला था, आप लोग क्या क्या चैप्टर हुआ है यहाँ पे, मैंने फोन नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, वहां पे आप लोग आपका नाम 8 CBSE आसनसोल लिख के आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? भेज सकते हो कि नहीं? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे बच्चे लोग, टाटा, और होमवर्क करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलो सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ बच्चा, थैंक यू सर। हाँ बोलो बच्चों। सर हमको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में एक डाउट था, आपको हम भेज सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली भेजो ना। हाँ सर भेज देंगे। हाँ ठीक है ना, आप जो है भेज दीजिए, ठीक है? आप स्क्वायर स्क्वायर रूट में भेज है, आपका पहले नाम लिखिए जो भी है, मतलब एक बार नाम लिखने से क्या होता है ना, मिल जाता है कि हाँ आप आसनसोल का 8 CBSE का स्टूडेंट है। तो बस बाकी डाउट जब भेजेंगे बार बार नाम लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? आपका नाम 8 CBSE और आसनसोल, ठीक है? ठीक है बच्चों, टाटा। बाय सर। बाय बच्चा। बाय बच्चा, बाय, टाटा। बाय सर। बाय बच्चा।